निशा जी, आप गोपालगंज जिला के सांसा मूसा मार्केट में गुलाब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठी हैं और आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। आप लोग सभी को प्यार दुलार आशीर्वाद। फिलहाल में आपको प्यार दुलार हमेशा हमारे साथ रहता है। तो रहता ही है। सब दर्शकों लोगों का कहने का मतलब ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कम ही दिन में आप ज़्यादा कुछ नाम ही बना लीजिए, जैसे कॉमेडी वीडियो और सिंगिंग में अब नाम बहुत ऊपर तक ले गई हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं दर्शकों से? हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हम बड़े हैं आज से चाहे कभी से, मतलब हमको तो गाना गाते हुए 4-5 साल हो गया है। जी, लेकिन हमको बहुत बचपन से ही च्वाइस था कि हम गाना गाएं। अपने भैया से बोले, जो शिव सागर जी हैं, जो लिखे हैं मकई में आओ यार, मकई बोले बनी। जी, वो गाना हम भी सुने, मकई में आओ यार मकई बोले बनी, काफ़ी हिट रहा वो आपका सॉन्ग। उसके बारे में आप दर्शकों से क्या कहना चाहती हैं? उसके बाद लगभग कितना मिलियन में वो गाना क्रॉस कर चुका है? मतलब हमको तो लग रहा है मिलियन में तो 18-20 के चला गया है सब। मतलब पब्लिक का, हमारे जो चाहने वाले हैं उनका प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा ऐसा है, मिलता रहे। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको आप लोग हमेशा प्यार ऐसे ही दीजिएगा कि हम बहुत आगे जाएं। जी, और हमको तो गाना गाने के लिए बचपन से ही बहुत हमको अच्छा लगता था। अब स्कूल में हम बच्चों को डांस सिखाते थे, डांस भी करते थे, हमारे सर हम पे बहुत खुश रहते थे, हम गाना भी गाते थे। खुद उनको सर को पकड़ कर डांस करा देते थे तो लगते थे हट निशवा गाय ऐसे कर रही है। जी, ऐसे अपने भोजपुरी भाषा में बोला जाता है। और जो भी आप मतलब कम दिन में ज़्यादा ही कुछ अपना नाम बना ली हैं, और आप देख रहे हैं गोपालगंज जिला में सांसा मूसा मार्केट गुलाब रिकॉर्डिंग स्टूडियो, तो निशा जी बहुत खुशी की बात है कि निशा जी आप आए और आपका इंटरव्यू हुआ। और कुछ आपसे हमारे दर्शक मतलब बहुत ऐसा मतलब कुछ पूछना चाहते हैं कि कृष्णा नी दर्दी जो मतलब है, हाँ तो हाँ, तो उनके बारे में पूछते हैं कि आपका मतलब हमेशा वीडियो उन्हीं के साथ आता है तो किसी और के साथ नहीं आ सकता है क्या? क्योंकि हमारा वीडियो उनके साथ आता है, इसलिए कि पूरा ये जनता का सपोर्ट है कि हम लोग का जोड़ी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग दोनों जी बिल्कुल दोनों अभी बहुत अच्छे कॉमेडी करते हैं। जी, आप लोग देखे होंगे कि हम डरते नहीं है। जी बिल्कुल, मार देंगे, पीट देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, ऐसे ही बोलते हैं। जी, ऐसा होता रहता है। हमको बहुत हमको अच्छा लगता है कि हमारे चलते अगर 10 आदमी खुश रहे तो हम उनके लिए कुछ भी करेंगे कि वो कुछ पल के लिए तो अपना दर्द भुलाकर हमारे बात सुनकर हंस दे। जी बिल्कुल, इतना ही हमको सुनकर उनके कमेंट देखकर हमको बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, हम समझ गए आपको कहने का मतलब क्या है कि मतलब गायक अपने लिए नहीं जीता है, किसी औरों के लिए जीता है। और के लिए हम जीते हैं। जी बहुत बढ़िया, तो आप गुलाब रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में कुछ बोलेंगी? हाँ, बोलना चाहूँगी। गुलाब रिकॉर्डिंग स्टूडियो सासा मूसा में खुला है। जी, बिंदास विकास जी का, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, गाइएगा गाइएगा और हमारा सपोर्ट यहाँ पर हमेशा रहेगा। कभी कभी हम यहाँ पर रहेंगे भी, आप जरूर देखिएगा। जी, क्योंकि वहाँ तो हमारा मतलब हमारा वहाँ पे कृष्णा जी के पास एग्रीमेंट हुआ है। जी, तो कभी कभी यहाँ पे आएंगे इनके पास, लेकिन पूरा सपोर्ट रहेगा क्योंकि ये मान लीजिए कि ये हमारा ही स्टूडियो है। जी ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिल करके। और आप लोगों के पास तक इनका निशा जी की आवाज़ जो भी गई है, और मतलब जितना निशा जी को प्यार दुलार देते हैं उतना हमारे उनका हमारा भाइयों को भी दीजिए। भाई अपना भोजपुरी माटी को आप लोग प्यार दुलार दीजिए चैनल को, और यूपी बिहार भोजपुरी चर्चा को भी दीजिए। थैंक यू।